हेलो दोस्तों, टेक्निकल एमिटी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फाइनली इंडिया में सैमसंग ने गैलेक्सी M51 को लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने इस फोन को लॉन्च करने से पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था मूवी चैलेंज करके, जहां पे मूवी को सैमसंग गैलेक्सी M51 से कंपेयर किया था और इसमें दिखाया गया था कि M51 जो है वो मूवी से जो है विनर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहां पे एक कार्टून कैरेक्टर जो मूवी है उसके थ्रू हमें एंटरटेन करने की कोशिश किया था। तो क्या वाकई में गैलेक्सी M51 मूवी चैलेंज में विनर नज़र आता है? मैं अपनी ओपिनियन इस वीडियो के माध्यम से इसी M51 के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो 6.7 इंच का आपको फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, जहां पे डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ने इसी M51 में काफ़ी कमाल काम किया है। सैमसंग ऑब्वियसली अपनी जितने भी फोन्स बनाती है उस पर डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देता है, तो यहां पे डिस्प्ले के मामले में सबसे बेहतरीन आपको इसी M51 में मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है। 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन मिलेगी, जहां पे हमें बेजल्स काफ़ी कम मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 पे M51 रन करता है। इसके साथ साथ आपको सिंगल UI कोर 2.1 है जो सैमसंग की तरफ से दिया गया है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें इस्तेमाल किया गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, जो इसी M51 को पावर देगा, जहाँ पे हमें गेमिंग की एक्सपीरियंस भी अच्छी मिलने वाली है, साथ में प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी मिलने वाली है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे मूवी चैलेंज में कि क्या प्रोसेसर के मामले में M51 विनर होता है या नहीं। कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का इसी M51 में लगा है, जहाँ पे सोनी का सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट IMX682 का सेंसर लगा है। इस सेंसर की काफ़ी बढ़िया रेटिंग दी गई और काफ़ी कमाल का सेंसर है। दूसरा कैमरा के बारे में बात करें तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जहाँ पे अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक करने में हमें मदद मिलेगी। 5 मेगापिक्सल का आपको तीसरा कैमरा है मैक्रो फोटो क्लिक करने के लिए, और 5 मेगापिक्सल का आपको जो है चौथा कैमरा है डेप्थ फोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ पे कैमरा में ढेर सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सेल्फी के बारे में बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है, पंच होल आपको डिज़ाइन मिलेगा। और कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल टेक ऑटो स्विच नाइट हाइपरलैप्स और स्लो मोशन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग AI डूडल AR इमोजी काफ़ी कमाल के जो है कैमरा में ऑप्शंस मिले, जहाँ पे हमें बेहतरीन फोटो और बेहतरीन इफेक्ट्स देखने को मिलेगी। अब चलिए हम बात करते हैं इसी M51 की स्टोरेज के बारे में। तो 2 स्टोरेज के साथ आता है, 6 GB रैम और 8 GB रैम, जहाँ पे हमें इंटरनल स्टोरेज 128 GB की मिल रही है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512 GB तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो फिंगरप्रिंट जो है आपको साइड के हिस्से में दिया गया है। यहाँ पे सबसे खास चीज़ है कि 3.5 mm का हेडफोन जैक भी इसी फ़ोन के साथ दिया जा रहा है, जो बहुत सारे फ़ोन में जो है अभी नहीं मिल रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, जिसके लिए जो है मूवी चैलेंज जो है जहाँ पे मूवी हारता नज़र आ रहा है। 7000 mAh की बैटरी दी गई है। 25 वाट के फास्ट चार्जर से इसी बैटरी को तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं मूवी चैलेंज के बारे में। तो मूवी यहाँ पे कहाँ जीता है और कहाँ M51 जो है विनर नज़र आया है। तो यहाँ पे मेरी ओपिनियन है, यहाँ पे गैलेक्सी M51 की कोई ओपिनियन मैं यहाँ पे शेयर करने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं मूवी चैलेंज में जो है M51 को विनर अपने तरफ से दे रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा निराश कर रहा है। स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर है, जिस कीमत के अकॉर्डिंग इस फ़ोन में प्रोसेसर डाला गया है, आई होप थोड़ा सा और बढ़िया अपग्रेडेड प्रोसेसर होता तो बेहतर होता। तो यहाँ पे जो है मूवी को जो है मैं रनर अप मान के चल रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे जो है कैमरा के मामले में M51 जो है ऑब्वियसली विनर है। यहाँ पे कैमरा में ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली M51 जो है जीतता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल रनर अप जो है M51 है, सैमसंग गैलेक्सी M51 मूवी चैलेंज में जीत गया है मेरे अकॉर्डिंग। आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए बात करते हैं इस फ़ोन की कीमत के बारे में। तो 6 GB के लिए 25,000 आपको देने पड़ेंगे, 8 GB के लिए 27,000 रुपये देने पड़ेंगे और 2,000 रुपये का फासला है। सेल आपको अमेजोन और samsung.com पे लगा है। 18 सितंबर से आप इस फ़ोन को बुक कर सकते हैं, 12 बजे सेल लगेगी। HDFC का कार्ड आप यूज़ करते हैं तो 2,000 रुपये का जो है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये रही कुछ सैमसंग गैलेक्सी M51 की ओपिनियन प्लस फीचर्स जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। आपका क्या कहना है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूले। इस चैनल पे नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा उसे ऑल प्रेस करना ना भूले। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सपोर्ट कीजिए आपकी अपनी टेक्निकल एमएडी फैमिली को।